झारखंड में बॉम्बे हावड़ा मेल एक दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें कुल मिलाकर 6 लोग घायल हैं और उससे कहीं ज्यादा लोगों की जान चली गई है। भारत में कई बार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि फला ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई तो कई सारे लोग घायल हो गए। हालांकि ट्रेन के पटरी से उतरने की क्या वजह होती है और आखिर गर्मी और बरसात के मौसम में ही ये दुर्घटनाएं ज्यादा देखने को क्यों मिलती हैं, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आपको बता दें कि अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यहाँ पर रोज 20,000 से ज्यादा ट्रेन पटरियों पर दौड़ती है। इनमें से 13,000 पैसेंजर ट्रेन है, जिनमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग डेली बेसिस पर यात्रा करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पर कई बारी ट्रेन के पटरी से उतरने के वजह से कई सारे लोगों की जान चली जाती है। देखिए, ट्रेन के पटरी से उतरने की प्रमुख वजह रेलवे ट्रैक पर मैकेनिकल फॉल्ट यानी कि रेलवे ट्रैक पर लगने वाले उपकरण का खराब होना है। इसके अलावा पटरियों का चटकना, डिब्बों को बांध कर रखने वाले उपकरण का ढीला होना और एक्सल का टूटना है। इन सभी के अलावा ट्रेन के पटरियों से पहिए के लगातार घिसने की वजह से भी ट्रेन पटरी से उतर जाती है। गर्मियों में पटरियों के स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाने के कारण भी ट्रेन डीरेल हो सकती है। वहीं तेज चलती ट्रेन को तीव्र मोड़ने अथवा ब्रेक लगा देने से भी कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। भारत में हो रही ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच तकनीक है, जो केवल टक्कर रोक सकती है, लेकिन ट्रेन का पटरी उतरने का कोई समाधान नहीं है। जी हाँ, कवच एक टक्कर रोधी टेक्नोलॉजी है। इसके लिए पटरियां, सिग्नल सिस्टम, पहियों और ट्रेन को उपकरणों को दुरुस्त रखकर ही ट्रेन के पटरी से उतरने की दुर्घटनाओं को रोक सकती है। लेकिन ट्रेन डीरेल के लिए अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में नहीं लाई गई है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।